अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। हम अभी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर रहे थे डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच कॉज शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व। हमने सबसे पहला डिटरमिनेंट कंजम्पशन डिस्कस किया है और उसके कुछ पॉइंट्स हमने आगे डिस्कस किए थे, जैसे कंज्यूमर वेल्थ है, हाउस होल्ड बोरिंग है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस हैं, पर्सनल टैक्सेस हैं। द सेकंड मेजर डिटरमिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। हम पहले एग्जांपल के जरिए भी देख चुके हैं, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट का जो है थ्रू मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड पे। अगर इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है तो उससे एग्रीगेट डिमांड में भी इजाफा हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और अगर इन्वेस्टमेंट में कमी आती है तो एग्रीगेट डिमांड में भी कमी आ जाती है, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। इससे कुछ सब डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे है रियल इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट में कमी आती है तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा, बिकॉज देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उससे इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में इजाफा होने से स्पेंडिंग में इजाफा हो गया, इट मीन्स एग्रीगेट डिमांड में इजाफा हो गया, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है, अगर इंटरेस्ट में इजाफा होता है तो इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई, स्पेंडिंग वेरिएबल में कमी आ गई, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। अनदर वन कंपोनेंट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है थ्रू इन्वेस्टमेंट। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न कम नजर आ रहे हैं, लो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। देर आर सम वेरिएबल्स विच अफेक्ट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न मे ऑल्सो बी अफेक्टेड बाई द फॉलोइंग वेरिएबल। इन वेरिएबल्स की वजह से एक्सपेक्टेड रिटर्न इफेक्ट होंगे, फिर इन्वेस्टमेंट इफेक्ट होगी, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व पे इफेक्ट जाएगा। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशन, जैसे अगर तो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, फ्रूटफुल एक्सपेक्टेशन है अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशन, जैसे इस टाइम में ग्वादर पोर्ट पे ग्वादर बंदरगाह बन रही है, टैक्स फ्री जोन बन रही है, वहां पे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशन, मोर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नजर आ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी अब ज्यादा होगी, तो एग्रीगेट डिमांड पे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और इसी तरह अगर एक्सपेक्टेशन नेगेटिव है, एडवर्स एक्सपेक्टेशन है, एडवर्स एक्सपेक्टेशन है, जैसे आप कह सकते हैं कि कराची की कंडीशंस चल रही हैं, या पॉलिटिकल आप कह सकते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कह लें, या इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रूटफुल जो है वो वेज मौके नहीं मिल रहे, तो उस सूरत में अगर नेगेटिव एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर बिजनेस कंडीशन, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम नजर आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, और उस केस में एग्रीगेट डिमांड का जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। Another factor that affect the expected return is technology. जितनी improved, जितनी latest technology use करेंगे, उतनी low cost of production होगी। ये हम देख चुके हैं already कि जैसे पहले agriculture sector में जो है आप कह लें कि backward technology या backward method use किए जाते थे production के लिए, अब modern method use किए जा रहे हैं, time saving है,
लो कॉस्ट है और हाई प्रोडक्शन है। सो जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतनी ही प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होगी, और जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी उतना ही एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा, तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और जितनी ही हम बैकवर्ड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जितनी बैकवर्ड और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतना ही प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा होगा, उतना ही प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा होगा, उतना ही प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा होगा और उतने ही एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको कम नजर आएंगे, उतना ही प्रॉफिट कम होगा, इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। अनदर वेरिएबल इज डिग्री ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। अगर तो इकोनॉमी में ऑलरेडी बल्क ऑफ कैपेसिटी मौजूद है, इन्वेंटरी बल्क में मौजूद है, सो देर विल बी अ लो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट, तो ऑब्वियसली न्यू इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम नजर आ रहे होंगे। अगर ऑलरेडी बल्क इन्वेंटरी इकोनॉमी में मौजूद हैं तो न्यू इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम नजर आएंगे, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। और इसके मुकाबला में अगर इकोनॉमी में कैपेसिटी एक्सेस नहीं है, इन्वेंटरी बल्क में नहीं है, इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश मौजूद है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी हाई, सो देर विल बी अ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। बिजनेस टैक्सेस, लो बिजनेस टैक्सेस मीन हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी अभी कि टैक्स फ्री जोन बनाई जाती है बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करने के लिए, जैसे ये बहावलपुर वाली साइड पे भी अभी बनाई है टैक्स फ्री जोन, ग्वादर में भी शोर बनी है टैक्स फ्री जोन। तो जब जितने टैक्सेस बिजनेस टैक्सेस कम होंगे तो उतना ही एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा और उतनी ही इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और जितने बिजनेस टैक्सेस ज्यादा होंगे इट मींस उतना ही एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिटर्न कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। तो ये वेरिएबल्स थे जो वाया एक्सपेक्टेड रिटर्न वाया इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व को अफेक्ट कर रहे थे। द थर्ड मेजर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती क्या है? जो गवर्नमेंट स्कूल्स बनवा देती है, रोड्स बनवाती है, पार्क्स बनवाती है, गवर्नमेंट की तरफ से अखराजात किए जाते हैं, सैलरीज आप लोगों को पे करती हैं, ये सारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो जितनी ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी उतनी ही एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी, मल्टीप्लायर के थ्रू इफेक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड पे, उतनी ही एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड। और जितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी उतनी ही एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। इसी से रिलेटेड, अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट साइड, जीडीपी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती जाए, जीडीपी बढ़ती जाए, ऐसा पॉसिबल है? कोई आंसर करे मुझे बेटा, सो गए हैं, जाग रहे हैं? जितने पैसे होंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग पैसे होंगे गवर्नमेंट के पास उतना ही इन्वेस्ट करेगी ना, तो वो डेफिसिट फाइनेंसिंग भी तो कर लेती है ना, स्पेंडिंग करी जाए, मौजे लगा दे लोगों की, जीडीपी बढ़ जाए और फॉरेन वो लोन्स भी भर जाएं फिर। हाँ। एक कंट्री से लोन लेके फिर दूसरी कंट्री को वापस करें। नहीं नहीं, बाहर से ना लोन ले, अपने नई करेंसी इशू करते जाएं, मशीनें लगी हुई हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, बस नोट छापी जाए।
सर फिर पैसे की ऐसे वैल्यू थोड़ी ना कम हो होता है, जाएगी वैल्यू और कम हो डॉलर का जाएगी। रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, सही कह रहे हैं आप लोग। तो इसका इफेक्ट जो है वो उल्टा इकोनॉमी पे आएगा, जिसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। लेट मी एक्सप्लेन कैसे। जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती जाए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के से जीडीपी बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट को चाहिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती जाए, जीडीपी बढ़ती जाए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब बढ़ाएगी, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्सेस के जरिए कर रही है, तो टैक्सेस से जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उस हद तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर ली। और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग उससे ज्यादा करती है, यूजली ज्यादा ही होती है, तो फिर उसके लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। मतलब जब बजट डेफिसिट में होता है, व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन टैक्सेस, जो टैक्स कलेक्ट किए थे स्पेंडिंग उससे ज्यादा हो रही है, तो वो जो बाकी डिफरेंस आएगा वो गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, या तो नई नोट इशू करेगी, या आप लोगों से लोन लेगी प्राइस बॉन्ड इशू करके, या किसी और तरीके से, या नए नोट स्टेट बैंक से लोन लेगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा जब गवर्नमेंट लोन लेगी, मनी डिमांड में इजाफा करेगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उससे इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी। अब देखिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक वेरिएबल हम बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट दूसरा वेरिएबल डिक्लाइन हो रहा है जीडीपी का। इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसका कोई फायदा नहीं होगा, जितना बढ़ाया था उतना ही उधर से डिक्लाइन होता जा रहा है। सो दिस इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। जीडीपी का एक वेरिएबल बढ़ने की वजह से दूसरा वेरिएबल डिक्लाइन हो रहा है, दिस इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसलिए हम जो है एक लिमिट तक ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका इफेक्ट क्राउड आउट हो जाएगा। फोर्थ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग। नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ऑब्वियसली अगर ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव में होगा, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी इंपोर्ट से, तो नेट एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी, एग्रीगेट डिमांड का भी शिफ्ट टू द राइट साइड। और इसी तरह अगर ये नेगेटिव में होगा, मतलब आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं एक्सपोर्ट से, तो उसका इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड पे नेगेटिव जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का भी शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड। पाकिस्तान का नेगेटिव ही है पिछले 50-60 साल में। अब नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग भी कुछ वेरिएबल से इफेक्ट हो सकती है, जिनमें 4.1 पे है नेशनल इनकम अब्रोड। अक्सर मैं ये नेशनल इनकम अब्रोड एक्सप्लेन करने लगा हूँ, अक्सर ऐसे होता है कि जैसे मैं रियलिटी रियल लाइफ की एप्लीकेशन से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ, कि जैसे आप जज करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो 2005 में 4 में बड़ी डेवलपमेंट हुई जी, वो इतने मोटरसाइकिल्स आ गए पाकिस्तान में, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई पाकिस्तान में अब, और अब गाड़ियां आ रही हैं और मोबाइल फोन इतने आ गए हैं, और इस एंड सो ऑन। तो मैं इस डेवलपमेंट को, जिसको हम कुछ लोग डेवलपमेंट समझते हैं, उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जैसे हमारे किसी नेबर साथ वाले घर में उन्होंने अच्छा सा बगीचा लगाया हो, कोई जामुन के दरख्त लगे हों, कोई आम के दरख्त लगे हों। हमारा साथ वाला घर है, तो आपके घर भी उसकी शाखें कुछ आती हों, हैं वहाँ पे भी थोड़े से फ्रूट्स गिरते हों, आप उठा के खा लेते हों। तो इट इज जस्ट लाइक दैट, कि कंट्री दूसरे ग्रो कर रहे हैं, डेवलप दूसरे कंट्री हो रहे हैं, उनके कुछ फ्रूट्स हमारे यहाँ गिर रहे हैं, हम वो खा के कह रहे हैं कि हम जो है वो डेवलप्ड हो रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही है। मोटरसाइकिल आ गए, गाड़ियां आ गई हैं, क्या हम भी कोई चीज बना रहे हैं? हम खुद भी कुछ बना रहे हैं? क्या हम भी मोबाइल फोन कुछ उनके मुकाबले के बना रहे हैं? तो नहीं। तो ये जो फ्रूट्स हम एंजॉय कर रहे हैं, ये वक्ती तौर पर ही है, ये फ्यूचर में जो है ना, आपको मेडिसिन की जरूरत भी पड़ेगी, वो भी फिर बाहर से ही आएंगी। नेशनल इनकम अब्रॉड, अगर दूसरे कंट्रीज की इनकम में इजाफा होता है तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। हमारी एक्सपोर्ट्स मतलब हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की इनकम में इजाफा होता है तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी,
जिससे हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे हमारी जीडीपी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जैसे हमारी 17% एक्सपोर्ट अमेरिका को जाती है, तो अगर अमेरिकन की इनकम में इजाफा होता है तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, जिससे हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। पॉजिटिव ना भी हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी तो एग्रीगेट डिमांड पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का भी शिफ्ट टू द राइट साइड। या आप ये कह लें कि अगर पाकिस्तानियों की इनकम में इजाफा होता है तो चाइना की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा, होगा ना, थोड़ा सा इजाफा होगा, क्योंकि हम उनकी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में भी काफी आ रही हैं, मेजर एक्सपोर्ट्स उनकी भी जो है वो अमेरिका को ही जा रही है। चाइना की भी तकरीबन 17% एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को जाती है। तो अगर पाकिस्तानियों की इनकम में इजाफा होगा, उनके लिए ये फॉरनर्स हैं चाइना के लिए, तो उनकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्रीज हैं जिनको हमारी एक्सपोर्ट्स जाती हैं, अगर उनकी इनकम में इजाफा होता है तो हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा, जिससे हमारे नेट एक्सपोर्ट बैलेंस इंप्रूव होगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। इसके मुकाबला में एक्सचेंज रेट, अगर आपकी लोकल करेंसी डेप्रिशिएट करती है, करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बिकम मोर चीपर फॉर फॉरनर्स। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट की है, डॉलर के मुकाबला में रुपया सस्ता हुआ है, तो दूसरे कंट्रीज के लिए हमारी प्रोडक्ट्स चीपर हो जाएंगी, क्योंकि रुपया सस्ता हुआ है तो रुपये से आने वाली प्रोडक्ट्स भी सस्ती हो जाएंगी। सो योर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर चीपर एंड योर इम्पोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। डॉलर महंगा हुआ है तो डॉलर से आने वाली प्रोडक्ट्स भी महंगी हो जाएंगी, इम्पोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। इम्पोर्ट्स जो है महंगी हो गई हैं, एक्सपोर्ट सस्ती हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, इम्पोर्ट कम हो जाएगी, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड पे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का भी शिफ्ट टू द राइट साइड। ये थ्योरी है, जो थ्योरी जिस तरह प्रीवियस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ साथ के, ये इस तरह रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट है, तो जरूरी नहीं है जिस तरह थ्योरी हो उस तरह इम्प्लीमेंट हो। ये जो थ्योरी है एक्सचेंज रेट थ्योरी है, लेकिन इस तरह हो नहीं रहा, ये इम्प्लीमेंट नहीं है, इसके वाइस वर्सा इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। करेंसी डेप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट्स बिकम मोर चीपर एंड इम्पोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगी, सॉरी एक्सपोर्ट्स चीपर हो गई तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, इम्पोर्ट महंगी हो गई है तो इम्पोर्ट कम हो जाएंगी, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड का रेशियो टू द राइट साइड, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने से ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड, वो नहीं होता, उसकी रीजन कुछ और है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स डिक्लाइन नहीं होती, वो मेजर कुछ ऐसी कमोडिटीज है जिनके सब्सिट्यूट ही नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारी जो है वो इम्पोर्ट आइटम्स हैं, मशीनरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिनके सब्सिट्यूट ही नहीं है तो वो डिक्लाइन होती है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये ओवरऑल आपके सामने डिटरमिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड मेंशन किए गए हैं, ये चार मेजर डिटरमिनेंट हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट, उनकी आगे सब हेडिंग्स हैं कुछ। दिस इज द रेफरेंस ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज बुक ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम मैकोनल ब्रू एंड फ्लाइन, 18th एडिशन, चैप्टर 29, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। करेंसी डेप्रिशिएट होने का मतलब है कि रुपया सस्ता हो गया डॉलर के मुकाबले में, तो हमारी एक्सपोर्ट्स सस्ती हो जाएंगी ना, जो हम बाई बेच रहे हैं उनके लिए हमारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। पहले एक डॉलर के लेट्स सपोज 160 रुपये आते थे, अब $1 के 177 रुपये आ गए, डेप्रिशिएट हो गई, तो चीजें सस्ती हो जाएंगी हमारी उनके लिए, दूसरे कंट्रीज के लिए हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, जबकि हमारे लिए जो इम्पोर्ट्स आ रही हैं वो महंगी हो जाएंगी, ठीक है, तो हम कम इम्पोर्ट्स खरीदेंगे, इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, एग्रीगेट डिमांड पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। मतलब कहने का ये है, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा कि करेंसी डेप्रिशिएट होने का फायदा हो रहा है ये, ठीक है, मैं क्लियरली कह रहा हूँ। थोरेटिकल थ्योरी ये कहती है कि करेंसी डेप्रिशिएट हो तो उसका फायदा होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट साइड। क्लियर है बेटा? ओके।
होता नहीं है रियलिटी में, वो अलग, वो मैंने बताया कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो चेक की है, मेरा मेरा पीएचडी एमफिल का थीसिस इसी पे है, तो होता नहीं है रियल लाइफ में। मैंने बताया कि जिस रीजन ये है, होना ऐसे ही चाहिए जैसे थ्योरी में पढ़ रहे हैं हम, होता इसलिए नहीं कि हमारी इम्पोर्ट्स डिक्लाइन नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान की इम्पोर्ट्स क्या हैं, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मशीनरी, ऐसी प्रोडक्ट्स हम इम्पोर्ट कर रहे हैं जिनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। जब उनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा फिर ही काम होगी ना, वो हमारी जरूरियात है, वो कमी नहीं होती, इसलिए इम्पोर्ट्स कम नहीं हो रहे। ऑल राइट, चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ, डेट इज एग्रीगेट सप्लाई। हमें अभी एग्रीगेट डिमांड स्टडी किया है, अब हम एग्रीगेट सप्लाई स्टडी करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द अमाउंट ऑफ रियल डोमेस्टिक आउटपुट दैट फर्म्स इन द इकोनॉमी प्रोड्यूस। बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। जो एग्रीगेट डिमांड था वो था एग्रीगेट रियल जीडीपी डिमांडेड बाय द इकोनॉमी, ये है रियल जीडीपी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल एंड द अमाउंट ऑफ रियल डोमेस्टिक आउटपुट दैट फर्म्स इन द इकोनॉमी प्रोड्यूस एंड दिस रिलेशनशिप डिपेंडिंग अपॉन द टाइम होरिजन हाउ क्विकली आउटपुट प्राइसेस एंड इनपुट प्राइसेस कैन चेंज। इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान कैसा रिलेशनशिप है ये टाइम होरिजन पे डिपेंड करता है, और टाइम होरिजन को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक है इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड, दूसरा है शॉर्ट रन पीरियड, और तीसरा है लॉन्ग रन पीरियड। इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड क्या है? इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस जो है वो फिक्स रहे हैं। ये बेटा ख्याल कीजिएगा, इनपुट आउटपुट फिक्स नहीं रह रही, इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड। और शॉर्ट रन पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस तो फिक्स होती हैं लेकिन आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी। और लॉन्ग रन पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें इनपुट प्राइसेस भी चेंज हो सकती हैं और आउटपुट प्राइसेस भी चेंज हो सकती हैं। तो ये तीन तरह के टाइम होरिजन है, और इन तीनों तरह के टाइम होरिजन के लिहाज से जो है वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो ड्रा होगा। फर्स्ट है एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड। जो इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड ये इतना शॉर्ट रन होता है कि जिसमें इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस जो है वो दोनों फिक्स रहती हैं, और इसकी टाइम लेंथ कितनी है कि कितनी देर तक रहेगा, जब तक इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस फिक्स रहे वो इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड है, और जैसे ही कोई आउटपुट प्राइसेस या इनपुट प्राइसेस चेंज हो समझ लें कि इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड खत्म हो गया, इसके लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ये तब तक रहता है जब तक इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस फिक्स रहे। और ये फिक्स क्यों रहती है? ये बेसिकली जो है आप कह सकते हैं कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है, मतलब फर्म के दरमियान और उनके जिनको प्रोडक्ट सेल करनी है उनके दरमियान, या फर्म के दरमियान, या जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके दरमियान एग्रीमेंट्स की वजह से जो है इनपुट आउटपुट प्राइसेस जो है वो फिक्स रह सकती हैं। और इस केस में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व उसकी शेप जो बनेगी वो है हॉरिजॉन्टल स्लोप। आप देख सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल है, एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी है, एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्लोप, और यू कैन सी दैट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। प्राइसेस जो हैं स्टे फिक्स, आप प्राइसेस देख रहे हैं स्टे फिक्स हैं, जीडीपी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो प्राइसेस आर स्टेड फिक्स। द रीजन इज दैट इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड इन द इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड।
इमीडिएट शॉर्ट टर्म पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें जिसमें इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस जो है वो फिक्स रहती हैं। तो इस केस में जो है एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल स्लोप बनेगा। द सेकंड है एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच आउटपुट प्राइसेस कैन चेंज बट इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड। और ये कब मतलब शुरू होता है, जैसे ही इमीडिएट शॉर्ट रन पीरियड एंड होता है वैसे साथ ही शॉर्ट रन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पहले आउटपुट प्राइसेस चेंज होती हैं देन इनपुट प्राइसेस पे उसका इफेक्ट आता है। इसमें आउटपुट प्राइसेस जी बेटा इनपुट प्राइसेस और आउटपुट प्राइसेस का डिफरेंस क्या? अच्छा बेटा इनपुट प्राइस रॉ मटेरियल की प्राइस है। इनपुट जैसे हम कोई फर्म है कुछ प्रोड्यूस कर रही है, अब जो जो वो रॉ मटेरियल यूज कर रही है मतलब उसके सैलरीज की उसके एम्प्लॉयज की सैलरीज ये इनपुट प्राइस है, ठीक है। वो कोई रॉ मटेरियल मशीनरी यूज कर रही है ये इसके इनपुट की प्राइस है, ठीक है। वो कोई पेट्रोल यूज हो रहा है उधर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो ये इनपुट प्राइसेस कहलाती हैं। फिर वो जो बना के प्रोड्यूस करके आगे से मतलब वो कोई फ्रीजर बना रही है या इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही है तो उनकी जो प्राइसेस है वो आउटपुट प्राइसेस हैं। जो 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 वो तैयार कर रही है प्रोडक्ट उसकी प्राइस जो है वो आउटपुट प्राइस कराती है, और जो वो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करती है चीज़ें उनकी प्राइस जो है वो इनपुट प्राइस कराती है। क्लियर है बेटा, डिफरेंस क्लियर है बेटा इनपुट प्राइस में और आउटपुट प्राइस। ओके। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी बट इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द शॉर्ट रन इज पॉजिटिवली स्लोप। शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड बनता है। शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड बनता है। द रीजन इज दैट के इनपुट प्राइसेस फिक्स है। इनपुट प्राइसेस फिक्स्ड है मतलब कॉस्ट फिक्स है। इनपुट प्राइसेस जो है ये कॉस्ट से रिलेटेड होती हैं, तो कॉस्ट फिक्स है। आउटपुट प्राइसेस जो है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है। रेवेन्यू इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो रेवेन्यू इंक्रीज होने का मतलब है प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो वो रियल जीडीपी इंक्रीज होगी। प्राइस लेवल बढ़ा है आउटपुट प्राइसेस की वजह से। इनपुट प्राइसेस तो फिक्स हैं, प्राइस लेवल बढ़ने से क्या होगा मतलब आपका रेवेन्यू इंक्रीज किया है तो आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके सेल करने को तैयार होंगे। दैट्स व्हाई प्राइस लेवल में और रियल जीडीपी में पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है इन द शॉर्ट रन पीरियड। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों है। इनपुट प्राइसेस तो फिक्स्ड है, कॉस्ट फिक्स्ड है, आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी। और आउटपुट प्राइसेस क्या है मतलब प्रोडक्ट की प्राइस वो बढ़ेगी, मतलब प्रोडक्ट आपकी जो है वो पहले 45,000 की थी 50,000 की होगी और उस पर कॉस्ट आ रही है 30,000, वो 30 की 30 ही रहेगी ना। इनपुट प्राइसेस आर फिक्स्ड शॉर्ट रन में, वो 30,000 की 30,000 है लेकिन आउटपुट प्राइसेस 45 से 50,000 हो गई है। रेवेन्यू बढ़ा है आपका, प्रॉफिट बढ़ा है तो आप ज्यादा कमोडिटीज सेल करने को प्रोड्यूस करने को तैयार हो जाओगे। इसलिए प्राइस लेवल बढ़ने से रियल जीडीपी भी बढ़ेगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप आया एग्रीगेट सप्लाई करने इन द शॉर्ट रन। होपफुली के एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन पीरियड स्टार्ट विद द एंड ऑफ शॉर्ट रन पीरियड। जैसे ही शॉर्ट रन पीरियड एंड होता है लॉन्ग रन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप कह सकते हैं कि इनपुट प्राइसेस चेंज हो वैसे ही लॉन्ग रन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लॉन्ग रन पीरियड इज द पीरियड इन विच इनपुट प्राइसेस एंड आउटपुट प्राइसेस बोथ आर फ्लेक्सिबल, बोथ कैन चेंज। और इस केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल स्लोप। हम लॉन्ग रन में कहते हैं ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड बाय द इकोनॉमी। लॉन्ग रन ऐसा पीरियड है जिसमें तमाम रिसोर्स जो है वो इकोनॉमी फुली यूटिलाइज कर लेती है। एक्चुअल जीडीपी इज इक्वल टू द पोटेंशियल जीडीपी, मींस इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स पोटेंशियल।
इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल के मुताबिक प्रोड्यूस कर रही होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। सो प्राइस लेवल कम हो ज्यादा हो, जीडीपी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनपुट प्राइसेस आउटपुट प्राइसेस कैन वेरी बट आउटपुट इज इक्वल टू द पोटेंशियल आउटपुट। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल स्लोप इन द लॉन्ग रन। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल स्लोप इन द लॉन्ग रन। जी यहां तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। ये आपके सामने सोर्स मेंशन किया गया है। यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर लॉन्ग रन को दोबारा जरा एक्सप्लेन कर दें। लॉन्ग रन इज अ पीरियड इन विच ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड बाय द इकोनॉमी। मींस इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंग टू इट्स पोटेंशियल। हम कहते हैं कि लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव हो जाता है। इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल के मुताबिक प्रोड्यूस कर रही होती है तो फिर प्राइस लेवल का जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जीडीपी जो है वो पोटेंशियल जीडीपी के मुताबिक बराबर है। पोटेंशियल जीडीपी का मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड पोटेंशियल आउटपुट। मतलब इकोनॉमी अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे प्रोड्यूस कर रही है। सो दैट्स व्हाई लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल स्लोप। जी क्लियर है बेटा? जी सर। ऑलराइट, टाइम सेशन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। हम जो है वो 5 मिनट की ब्रेक के बाद थर्ड सेशन के लिए मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज। 5 मिनट्स ब्रेक के बाद मिलते हैं बेटा। सब लोग कोशिश कीजिएगा ज्वाइन करने की। अल्लाह हाफिज़।